आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये है कलौंजी और उसका तेल, जिसको ब्लैक क्यूमिन सीड कहते हैं। ये मैजिकल क्योर है, मैजिकल सीड है। नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कलौंजी में हर बीमारी के लिए शिफा है सिवाय मौत के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर ज़ुबैर मिर्ज़ा एक मरतबा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ आपकी सेहत, लंबी जवानी, लंबी उम्र के लिए मुफीद मशवरे लेके। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये है कलौंजी और उसका तेल, जिसको ब्लैक क्यूमिन सीड कहते हैं। ये इंतहाई मुफीद चीज़ है। कई जगह इसको डिस्क्राइब किया गया है कि ये मैजिकल क्योर है, मैजिकल सीड है। कुछ चीज़ें बढ़ा के बताई हूँ, लेकिन ये बहरहाल एक बेइंतहा मुफीद चीज़ है जिसको हज़ारों साल से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको फिरौन के मकबरे में भी ये कलौंजी के बीज पाए गए हैं। मिस्र की मलका क्लियोपेट्रा, जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी, वो इसको इस्तेमाल करती थी अपनी स्किन की ब्यूटी के लिए। और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कलौंजी में हर बीमारी के लिए शिफा है सिवाय मौत के। और ये बुनियादी तौर पे इस्तेमाल होती रही है, ये मिडल ईस्ट में, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान इन इलाकों में बहुत, लेकिन अब इस पे दुनिया के और बहुत से मुल्कों में उस पे रिसर्च, बहुत स्टडीज़ हो चुकी हैं इसके ऊपर। इसके बेशुमार फ़ायदे बताए गए हैं कि अगर इसको सप्लीमेंट के तौर पे देखा जाए तो इससे बेहतर सप्लीमेंट कोई नहीं है लेने के लिए। ये कलौंजी के बीज जो हैं, ये एक पौधा होता है, इसको निगेला सटाइवा कहते हैं। ये उसके बीज होते हैं, काले काले होते हैं। ये बीज भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतरीन तरीका है कि आप बीज का तेल निकालें कोल्ड प्रेस्ड और वो लें, तो उसमें बेतहाशा फ़ायदे हैं। अब इसके फ़ायदे मैं गिनाता हूँ, इतने सारे हैं कि ज़बानी शायद बताने में काफ़ी रह जाएंगे, तो थोड़ा सा बीच बीच में देख देख के मैं बोलता रहूँगा जो इसके फ़ायदे शुरू होते हैं। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि ये इम्यूनिटी को बेहतर करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। इम्यूनिटी कैसे बढ़ाता है? ये बॉडी में वाइट सेल्स को बढ़ा देता है, जिससे इम्यूनिटी बेहतर होती है। और ख़ासकर एक वाइट सेल में किलर सेल होता है, ये किलर सेल को भी बढ़ाता है, एक्टिवेट करता है। ये किलर सेल जो हैं, ये बुनियादी तौर पे वायरस और ट्यूमर के ख़िलाफ़ होते हैं, ये एंटी वायरल और एंटी ट्यूमर। इसकी खासियत ये है कि ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी वायरल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी ट्यूमर है और एंटी ऑक्सीडेंट है। इससे मुख्तलिफ़ किस्म के इसके फ़ायदे निकलते हैं, जो हम आहिस्ता आहिस्ता अब आपको एक एक करके बताएंगे। फ़ायदे इसके बताते रहेंगे, लेकिन आप अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसको लाइक करें और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल दबा दें, क्योंकि मेरे हेल्थ पे, सेहत पे, वेट लॉस, लंबी जवानी, लंबी उम्र पे वीडियोस आती रहती हैं, तो आपसे कुछ मिस ना हो। ये सीने के अमराज में भी बहुत मुफीद है, खासकर एस्थमा में, एलर्जी में और चेस्ट कंजेशन में, उनमें बेहतरी लाता है। कोल्ड और फ्लू में भी ये बेहतरी लाता है और मदद देता है। अच्छा, एक और ख़ास बात है इसकी, एक इन्फेक्शन होती है बॉडी में जो आमतौर पर अस्पतालों में होती है, उसको MRSA कहते हैं, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफलोकोकस ऑरियस। ये आमतौर पर ICU में होती है और बड़ी मुश्किल से ट्रीट होती है, इतनी मॉडर्न एंटीबायोटिक्स के बावजूद उनको असर नहीं होता। ये कलौंजी का तेल जो है, ये इन बैक्टीरिया को मारने में, ख़त्म करने में मदद देता है। ये इसका बहुत बड़ा इसका फ़ायदा है, और ये कैंडिडा की ग्रोथ को भी ये रोकती है एंटी फंगल होने की हैसियत से। अच्छा, वेट लॉस में भी इसका बड़ा एक रोल है। ये वेट लॉस कम कैसे करता है? तीन चीज़ों से। एक, इससे भूख कम होती है, जैसे आप कम खाएंगे।
दूसरा मेटाबॉलिज्म तेज होता है जिससे आपकी फैट बर्न होती है, और तीसरा ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को रोकता है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होगी तो आपकी फैट बर्न होती है, तो इन तीन से इसमें वजन में कमी आती है। इससे मैदे की तजाबियत भी कम होती है और बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन में ये हेल्प करता है। बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन में सबसे अहम रोल जो है वो ग्लूटाथायोन का होता है, जो आप अगर लेना चाहें तो आम तौर पे वो अक्सर लोग लेते हैं वो वाइटनिंग के लिए, रंग गोरा करने के लिए उसके इंजेक्शन लगते हैं इंट्रावीनस ड्रिप में, तो क्योंकि इसकी गोली जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह एब्जॉर्ब नहीं होती। लेकिन कलौंजी का तेल लेने से बॉडी जो खुद ग्लूटाथायोन बनाती है उसमें जिसको कहते हैं बढ़ावा आता है, तो ग्लूटाथायोन ज़्यादा बॉडी में होता है तो डिटॉक्सिफिकेशन में काफ़ी मदद मिलती है। फिर ये क्योंकि ये खुद भी एंटीऑक्सीडेंट है और ग्लूटाथायोन भी बनाता है वो भी एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये बॉडी में एंटीऑक्सीडेशन का काम भी देती है, जिस पे हम आगे दोबारा जब स्किन का जिक्र होगा तो वहाँ आएंगे। हार्ट हेल्थ के लिए भी ये बेहतर है क्योंकि इसमें ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं और ये ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। डायबिटीज़ में भी ये मुफीद है क्योंकि ये जो पेनक्रियास के बीटा सेल है जो इंसुलिन बनाते हैं, बीटा सेल को ज़्यादा करता है तो इंसुलिन की मकदार बढ़ती है, और ख़ासकर वो लोग जिनको टाइप वन, ये टाइप वन टाइप टू डायबिटीज़ दोनों में काम आती है ये। अच्छा, आते हैं इसके स्किन और ब्यूटी के इस्तेमाल के लिए। तो मैंने बताया स्किन के लिए अच्छी है, इसके मिस्र की क्लियोपेट्रा क्वीन इस्तेमाल करती थी अपनी स्किन को बेहतर करने के लिए। चूँकि एक एंटीऑक्सीडेंट है तो इससे रिंकल्स कम होते हैं क्योंकि फ्री रेडिकल से फाइट करती है, स्किन का मॉइस्चर बढ़ाती है जिससे फिर रिंकल्स में कमी होती है, तो इस तरह से स्किन की एंटी एजिंग होती है। इससे एक्नी में मुफीद है, एक्नी कम करती है, आप इसको लगा भी सकते हैं एक्नी पे, लेकिन उससे पहले एक पैच टेस्ट कर लें, कभी कभी एलर्जी हो जाती है। अच्छा, इसका पेस्ट भी बन के इस्तेमाल करते हैं लोग, जिसमें ये कलौंजी का तेल होता है और हनी होता है, और जो खुबानी के बीज को पीस के इन तीनों का पेस्ट बना के आप 10 मिनट के लिए लगा लें, उसके बाद गर्म पानी से धो लें, इससे पोर्स खुलते हैं और ब्लैक हेड्स वगैरह दूर होते हैं, तो स्किन में बेहतरी आती है। इससे मेलानिन प्रोडक्शन भी कम होती है, जो डार्क पिगमेंट होता है स्किन का, उसकी प्रोडक्शन कम होती है। नाखूनों और बालों की ग्रोथ के लिए भी ये कलौंजी जो तेल है इसका बहुत मुफीद है। अच्छा, इसके दिमाग के लिए भी बड़े फ़ायदे हैं, जिसको दिमागी काम, जिसको हम कॉग्निटिव फंक्शन कहते हैं, जैसे अटेंशन, मेमोरी है, फोकस है, ये सब बेहतर होता है इससे। इससे मिग्रेन में भी बेहतरी आती है। फिर इससे दिमाग के कुछ अमराज हैं जैसे पार्किंसनिज्म है, डिप्रेशन है, अल्जाइमर है, इसमें भी कमी आती है इसके इस्तेमाल से। एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरों में भी कमी आती है इससे, और नींद में बेहतरी आती है। इसका एक और फायदा है कि जो अफीम के नशेई होते हैं, जब उनसे अफीम छुड़ाई जाती है तो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं बड़े, जिससे बड़ी परेशानी होती है, तो कलौंजी का तेल देने से जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं इनमें कमी आती है और अफीम छुड़ाने के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है। अब इसको कितना और कैसे और कब लेना है तेल को, ये ज़्यादा नहीं लेना होता, 1 से 3 चम्मच, 1 चम्मच सुबह 1 शाम पी लें आप, छोटा जो चाय का चम्मच होता है। इसका टेस्ट थोड़ा सा शार्प होता है, हलक में थोड़ा सा चुपता है, लेकिन अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई नुकसान नहीं है इसका, लेकिन ज़्यादा नहीं लें तो थोड़े में भी बहुत फ़ायदा देती है, तो ज़्यादा लेने की ज़रूरत ही नहीं होती। बस प्रेग्नेंट औरतें और जो दूध पिला रही हैं वो एज़ अ रूल ये ना लें, उनको बहुत सारी चीज़ें उनको नहीं देते, उनको दवाइयाँ फलाना, तो ये भी ना लें।